Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज बीएनएन 7, हर खबर और न्यूज फोकस। मैं आपको लेके आया हूँ जंतर मंतर की उस धरती पर जहाँ पे जातिगत आरक्षण की विसंगतियों से तंग बहुत समाज लगातार आए दिन जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हों या अराजनैतिक संगठन। कहीं ना कहीं भारतीय संसद को उलाहना लोग दे रहे हैं, ये आरक्षण की विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए आने वाले इस समय आरक्षण के विरोध में। क्या समस्या? समस्या ये है कि हर अब जो आरक्षण होता है वो जातिवाद पे होता है। वहाँ पर ये नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नाम ले लेके आरक्षण दिया जाता है। किसी एक पार्टी को आरक्षण नहीं दिया जाता। ये 135 करोड़ देश की आबादी वाला देश है, यहाँ आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। यहाँ सबको एक सम्मान देखना चाहिए, कौन ठाकुर है, कौन ये है, कौन वो है, ये ना देखते हुए सिर्फ कानून एक ही कानून बनना चाहिए। मैं दुर्गेश सिंह चौहान, जनरक्षा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली कार्यालय हम लोगों ने गाजीपुर गांव आनंद विहार बगल में बनाया है। आज यहां पर हम लोग एक सांकेतिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हमारी मांग है कि जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर सभी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए। इस मांग को लेकर के ये मैं एक ज्ञापन लाया हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा जाएगा और उनसे मांग की गई है कि वर्तमान जो आरक्षण व्यवस्था है उसको समाप्त कर आर्थिक आधार पर सभी को आरक्षण दिया जाए। आपको क्या परेशानी? आरक्षण तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को दिया था, इसलिए दिया था कि उनका उत्थान हो सके, उनका समाज में सम्मान मिल सके। तो आपको उनसे क्या दिक्कत? नहीं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने आरक्षण दिया था 10 साल के लिए, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उससे पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था चली आई है। दलित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विशेष आग्रह पर आज़ादी के पश्चात ही जो संविधान में धारा बनाई गई थी 15 और 16, उसके तहत ये प्रावधान था कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण रहेगा। 10 वर्ष में उन्होंने बाबा साहब ने परिकल्पना की थी कि 10 वर्ष में समाज में समानता आ जाएगी, लिहाजा 10 वर्ष के लिए आरक्षण था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक को आधार बना करके आरक्षण की समय सीमा को बराबर बढ़ाते चले आए हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करता हूँ और सभी वर्गों से अपील करता हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा था कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए होना चाहिए, तो 10 वर्षों के लिए आरक्षण तो छोड़ दीजिए, आज 60 साल से ज़्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, 1992 में बीपी सिंह ने एक और आरक्षण का जहर घोल दिया जिससे हम जनरल वर्ग सामान्य वर्ग के लोग कुंठित हैं, हमारी प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या दलित या किसी ओबीसी का विरोधी नहीं हूँ, हम अपने हक की मांग करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों पे ब्राह्मण समाज पे आरोप लगता है कि समाज को बांटने वाले आप हो, सर ऐसा क्यों? सर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वाल्मीकि जी ऋषि हैं और ब्रह्म ऋषि कहा गया है, हम उनके अंतरण में हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं और उन्हें हम पूजनीय मानते हैं, गुरु हैं हमारे, संत हैं और हम सब ब्राह्मण समाज ऋषियों की औलाद है, संतान है, तो हम तो उनका कभी विरोध नहीं किया। और रही बात दलित समाज, कोई दलित क्या ब्राह्मणों में दलित नहीं होते हैं, जो गरीब संप्रदाय के लोग हैं वो भी दलित समाज से जुड़ते हैं। लेकिन जो आरक्षण की बात है, ये मुद्दा हमारा आरक्षण का है, इस आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए जरूरतमंद को, उसको तो मिलता ही नहीं है, और नहीं तो अन्यथा इसको बंद करें। और हम ये चाहते भी नहीं कि आरक्षण से लोग लाभ करके और उसका दुरुपयोग करके जो छोटी जाति जो गरीब लोग हैं उनका अन्याय हो रहा है उनके साथ। सर आप एक राजनीतिक दल, तो क्या आप दिल्ली के चुनाव में अपनी पार्टी से आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा हूँ, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ये आरक्षण रूपी जहर को समाज से हम नहीं मिटा पाएंगे। क्योंकि जो वर्तमान पार्टियाँ हैं वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं और हमारी पार्टी का नाम ही है जनरक्षा। अगर जनता की रक्षा होगी, जनता सुरक्षित होगी, तो ये देश सुरक्षित होगा। जब जनता ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा? आज यही वजह है कि प्रतिभाओं का हनन हो रहा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घूम रहे हैं, जो कह लीजिए कम शिक्षित हैं उनको आज आरक्षण के लाभ दे करके उनको बिठाया जा रहा है। लिहाजा दिल्ली के आगामी चुनाव में हमारी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनते ही हम इसके लिए और चुनाव लड़ाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे
आरक्षण हटाओ देश बचाओ, आरक्षण हटाओ देश बचाओ। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।